गई है गहना। जी हाँ, आपको बता दे, शो गौना में हमें देखने मिल रहा है जहाँ गहना के सामने सारी सच्चाई आ जाती है कि महेंद्र कोई और नहीं बल्कि उनके ही पिता हैं। साथ ही किस तरह से वो उनका इस्तेमाल अपने घर की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, ये सब जानने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया है। जब हम सबको सच बताना चाहते थे तो पिताजी ने हमें रोक लिया और आज ले जाने के बाद उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं कि किस तरह से वो मजबूर होकर गहना को छोड़ दिए थे, साथ ही उन्हें क्यों अपना नाम नहीं दे पा रहे, ये सारी चीजें भी बताते हैं। हम हाथ फैलाकर तुम्हारे सामने भीख मांगते हैं, हमारा करियर, हमारे परिवार की खुशियां। फिर वो इस कदर मजबूर हो जाते हैं कि गहना के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगते हैं, साथ ही उनकी इज्जत ना जाए इसकी भी भीख मांग रहे हैं। हम किसी से कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। प्लीज ऐसा मत करो। हमने तुम्हें ऐसे आदमी को सौंप दिया था जिसकी कोई औलाद नहीं और हमें पूरा विश्वास था वो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करेगा। हमने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है। हमारे उस मित्र से हम हमेशा तुम्हारी खबर लिया करते थे, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद तुम कहाँ चली गई हमें कुछ पता ही नहीं चला। हम क्या करते गहना, क्या करते? हम तुम्हें अपने दिल से अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन समाज में सबके सामने हम तुम्हें यह दर्जा नहीं दे सकते, इसके लिए हमें माफ करो। अरे दीपक, तुम शायद नहीं समझोगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमेशा हमारे आसपास रहो। नहीं, इस घर का काला टीका बनकर नहीं, हमारी बेटी की तरह, हमारी बेटी बनकर, हमारी बेटी बनकर रहो। हम यहाँ रहकर रोज रोज आपका चेहरा नहीं देख सकते, याद करके हम पूरी जिंदगी को धुतकार नहीं सकते। हम ये सोच भी नहीं सकते कि ये हमारी अम्मा किस दौर से गुजरी होगी। हमेशा के लिए चले जाए। क्या गहना महेंद्र को समझ पाएगी और क्या उनकी इज्जत को बचाएगी? एंड फॉर मोर सच स्टडी टाउन अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।